Okay, so I am making today omelette. It's got onion, tomatoes and 6 eggs. 6 अंडों में से मैं यहाँ पे 4 white use करूँगा और 2 whole. मिर्ची. तो इसमें से योग निकालना बहुत important है. मैं दिखाता हूँ कैसे निकालता हूँ मैं योग्स. Usually मैं spoon का इस्तेमाल करता हूँ यूं. Onion, tomatoes और हमारे chopped chilies है. Salt, black pepper. So इसके अंदर है 4 egg whites, 2 whole eggs, onion, tomatoes and chili. उसके साथ salt and pepper. गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी इस्तेमाल कर रहा हूँ. घी इसीलिए क्योंकि इट्स रियली हाई ऑन सैचुरेटेड फैट एंड वेरी हेल्दी फैट जो हमें चाहिए. ये ओवरऑल मेरे दिन भर के मील के लिए इतना घी इनफ होगा जो मैं एग्स बनाते हुए इस्तेमाल करता हूँ. अब इसको आप थोड़ी देर के लिए ढक्कन इसमें लगा दीजिए. यहाँ पे मैं 3 ब्रेड के स्लाइसेस भी लूंगा. सो दिस इज माई सेकेंड मील. आजकल मैं दिन भर में 4 मील्स ले रहा हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और बीच में एक छोटा सा स्नैक. करंटली जितने भी मेरे मैक्रोज हैं, जितनी मेरी कैलोरीज है, वो बहुत हाई जा रही है. हाई एज इन कि जितना मैं लॉकडाउन में नहीं खा रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा. उसका रीज़न ये है कि मैं पिछले 1.5 महीने से लगातार वर्कआउट कर रहा हूँ. इंटेंसिटी बढ़ रही है धीरे धीरे, मसल साइज भी वापस आ रहा है, स्ट्रेंथ भी वापस आ रही है. भले ही मुझे थोड़ी सी चोट लगी है पैर में, आई कांट ट्रेन माई लोअर बॉडी, बट अपर बॉडी की स्ट्रेंथ मुझे वापस आ रही है. आज फिर से मैं आर्म्स वर्कआउट करने वाला हूँ. कुछ डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं मेरे पास आज आप लोगों को दिखाने के लिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा. बट फिलहाल ये मील को मैं इंजॉय करता हूँ. इवन समटाइम्स आई हैव मेयोनीज एज वेल. हाई कैलोरीज में हो तो इट्स ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट व्हेन आई कट डाउन, धीरे धीरे मैं सबसे पहले कौन सी चीज़ें कट करता हूँ पता है आपको? सबसे पहले मैं यही जो ये साइड्स एड ऑन्स होते हैं ना, इनको निकालता हूँ. केचप निकलता है, मेयोनीज़ निकलती है, कोई शुगरी कुछ खा रहा हूँ वो मैं निकालता हूँ. तो धीरे धीरे कटिंग की शुरुआत ऐसे होती है. तो ये प्रोटोकॉल आप हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज़ सडन चेंजेस नहीं करने होते अपनी डाइट में. चाहे आप सरप्लस में जा रहे हों, चाहे आप डेफिसिट में जा रहे हों, ऑलवेज टेक इट स्लो. वो गुरु रंधावा का गाना तो आपने सुना होगा ना, स्लोली स्लोली स्लोली, दैट्स व्हाट इट इज. आर्म ब्लास्टर का हम उसमें इस्तेमाल करने वाले हैं. सो आज आप लोगों को आर्म ब्लास्टर के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा. इवन तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है आर्म ब्लास्टर के ऊपर. सो गाइस मेरा ये मानना है लाइफ में ना कि यार आप लोग कुछ भी करो, कोई भी काम करो, मतलब चाहे आप फैक्ट्री में काम करते हो, ऑफिस में करते हो, सेल्स, कहीं ना कहीं पर आपको ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी. ये बिजनेस का सबसे बड़ा थंब रूल है. मैं आजकल बहुत सारे बिजनेस देखता हूँ, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स देखता हूँ, स्टार्टअप्स देखता हूँ, और ज़्यादातर लोगों में मुझे कहीं ना कहीं वो ट्रांसपेरेंसी की कमी नज़र आती है. तो अगर आप लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टअप शुरू कर रहे हो कोई, तो सबसे बड़ा जो ये फाउंडेशन का जो पिलर है ना, ये ट्रांसपेरेंसी, ये लेके आना आपकी लाइफ में. और जब आप ट्रांसपेरेंसी लेके आते हो ना, तो अपने आप आपकी जो ग्रोथ है, करियर ग्रोथ, वो निकल के आती है. सो बीइंग ट्रांसपेरेंट विद हु? बीइंग ट्रांसपेरेंट विद द कस्टमर, विद द कंज्यूमर. एंड आई विल मीट यू इन अ वाइल जब हम जिम के लिए रेडी होंगे. सो ओके, सो वक्त हो चुका है जिम जाने का. कभी कभी मुझे लगता है लाइफ में ना एक चीज़ है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, वो है कंसिस्टेंसी. अगर आप कंसिस्टेंट हो तो लाइफ में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. और कंसिस्टेंट होने के लिए आपको रेगुलरली मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है. और मोटिवेशन ऐसी कोई दवाई नहीं है कि रोज़ आपको मिलती रहती है. मोटिवेशन के लिए आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है. अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो और कुछ भी अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में. सो बी डिसिप्लिन, बी कंसिस्टेंट एंड यू कैन अचीव योर हाइट्स. अरे आर्म ब्लास्टर. सो सबसे पहले तो वार्म अप करेंगे हमेशा की तरह. रोटेटर कफ मसल्स,
आज हम आर्म स्ट्रेन कर रहे हैं फिर से बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। अब आज के वर्कआउट में बाइसेप एंड ट्राइसेप में थोड़े बहुत चेंजेस हैं क्योंकि काफी वक्त से मैं जो लास्ट टाइम मैंने आपको वर्कआउट दिखाया था वो हम कर रहे थे। सो आज हम थोड़ी सी डिफरेंट एक्सरसाइजेस करेंगे, अप्रोच डिफरेंट होगा और रेप रेंज भी थोड़ी सी वेरी करेंगे। किस तरीके से मैं अपने वीकनेसेस को आगे लेके आ रहा हूँ अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। पहली एक्सरसाइज बाइसेप की हम स्टार्ट कर रहे हैं इंक्लाइंट डंबल कर्व से। स्पेसिफिकली स्टार्टिंग में अपने लॉन्ग हेड को ज़्यादा टारगेट करना चाहता हूँ। हम इसमें टोटल 4 सेट्स लेंगे क्योंकि ये पहली एक्सरसाइज है। थोड़ा एक दो वार्म अप करेंगे, उसके बाद मेन 4 वर्किंग सेट्स होंगे हमारे। कॉन्स्टेंट मेरा हाथ जो है ये शोल्डर एक्सटेंडेड पोजिशन में, इसे कहते हैं एक्सटेंडेड पोजिशन, ठीक है। ये है फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर। ऑलरेडी देखिए कितना स्ट्रेच डेवलप होता है मेरे फ्रंट डेल्टॉइड्स, मेरे लॉन्ग हेड, दिस इज द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, बाइसेप ब्रैकियाई। तो ये ऑलरेडी स्ट्रेच पोजिशन में। अब इस स्ट्रेच पोजिशन में मैं जब कर्लिंग करता हूँ तो ऑलरेडी एक टेंशन डेवलप हो जाता है। देखिए वेट भी नहीं है मेरे पास, मेरे लॉन्ग हेड पर डेवलप हो गया है ये। तो इसमें कर्लिंग करना बहुत ही ज़बरदस्त होता है आपके लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप के लिए। बारह से 15 रेपिटेशन का रेंज इसमें मैं रख रहा हूँ। अभी मैं एक वेट थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा 10 kg तक, 45 के डिग्री के आसपास का। पूरा पीछे लेटना है आपने, इस एंगल में आपका लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप एक्सटेंडेड पोजीशन में आ जाता है, स्ट्रेच पोजीशन में आ जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है, आप इससे स्टार्ट भी कर सकते हैं और आप इसको बीच में भी प्लेस कर सकते हैं। आज मैंने इसको फर्स्ट एक्सरसाइज प्लेस किया है। इस एक्सरसाइज को करते हुए ध्यान आप सिर्फ यही देना कि आपका जो ये हेड है ये ज़्यादा मूव नहीं होना चाहिए और दूसरा आपके शोल्डर्स बेंच से ऊपर नहीं उठने चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल हेड पूरा नीचे फ्लैट करके रखिए बेंच में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एज लॉन्ग एज आपके शोल्डर्स फ्लैट हों आपके बेंच में, वो ज़रूरी है। तीन सेट कम्प्लीट हो गए, एक और सेट। ओके, सो दूसरी एक्सरसाइज यहाँ पे आती है दोस्तों हमारी हैमर कर्ल्स, जो हम यहाँ पे बॉक्स बार से लगा रहे हैं। अब आपके पास ये बॉक्स बार डेफिनेटली होना थोड़ा मुश्किल है, बट कोई बात नहीं, चिंता मत करो, डंबल से भी लगा सकते हो हैमर कर्ल्स। दोनों हाथों से एक साथ लगाना है। राइट, सो रेप रेंज वही रहेगी 12-15 और इसके हम 3 सेट्स लेने वाले हैं। ये पहला सेट था। बॉक्स बार से जब आप लगाते हो हैमर कर्ल्स, रिस्ट्रिक्शन मिल जाता है आपके दोनों आर्म्स को, मतलब दोनों आर्म्स बराबर डिस्टेंस में एक साथ ऊपर जाएंगे। कर तो हम न्यूट्रल ग्रिप में ही रहे, विच मीन्स हमारा ब्रैकियलिस मसल जो यहाँ पे छोटा सा बच्चा होता है ये ट्रेन हो रहा है इसमें। ओके, सो यहाँ पे हमारी सेकेंड एक्सरसाइज बाइसेप की ख़त्म होती है। नाउ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एक्सरसाइज जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे अभी तक, बाइसेप कर्ल्स विद आर्म ब्लास्टर कमिंग ऑन योर वे। उससे पहले वेट निकालना है और इसे रखना है। ईजी बारबेल से लगाएंगे, ये आपके रिस्ट में जॉइंट्स में ईजी रहता है। बताइए आपको कैसे पहनना होता है इसे, ऊपर से ऐसे वरमाला की तरह पहन लो, जिनकी शादी होगी उनको तो पता ही होगा। वेट अपनी हैसियत के हिसाब से 10-12 रेपिटेशंस। बेसिकली ये क्या करता है कि आपके एल्बोज को सपोर्ट देता है पीछे जाने से, जिससे रिस्ट्रिक्शन आता है और आपके एल्बोज पीछे मूव नहीं होते। और ऐसे जब आप कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो एक तरीके से स्पाइडर कर्ल्स वाली आपको फीलिंग आती है। ये इक्विपमेंट भी आपको इजीली मिल जाएगा इंटरनेट पे कहीं पे भी, घर पे इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए। लोड का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा इसमें महसूस होगा आपको, देखिए वेट ज़्यादा नहीं लगाया हुआ है बट स्टिल
10-12 रेपिटेशन लगाना बहुत टफ हो रहा है इसमें। ओके सो बाबा जी, 3 एक्सरसाइजेज बाइसेप्स की खत्म हो चुकी हैं। दैट्स इट, आज के लिए बाइसेप इतना ही। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू दी ट्राइसेप एक्सरसाइज, जिसकी पहली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं स्कल क्रशर्स। पहले क्या है, वार्म अप थोड़ा लगाऊंगा मैं बारबेल से ही, और उसके बाद फिर वेट के साथ। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट बढ़ाएंगे। आर्म्स जो है वो ऑलरेडी स्लैंटेड पोजीशन में आ गए, यहाँ से स्टार्ट होगा मूवमेंट। स्ट्रेच एंड फुली कॉन्ट्रैक्ट, बस एल्बोज वहीं पे रहेंगे। कोशिश ये रहेगी आगे लेके नहीं आना एल्बोज को, बिल्कुल करेक्ट इसी फॉर्म में आप लोग लगाएंगे। ट्राइसेप का लॉन्ग हेड ट्रेन हो रहा है। टेन टू ट्वेल्व रेपिटेशंस लगाने हैं, ऐसा ही वेट लगाना है जिसमें फॉर्म करेक्ट रहे। यहाँ पे हमने अपने लॉन्ग हेड को टारगेट किया और साथ ही साथ यहाँ पे हमने लिटिल को भी टारगेट किया। अब आज जो हम मूवमेंट सेकंड करने वाले हैं, लास्ट ट्राइसेप का मूवमेंट, इसमें हम अपने मीडियल हेड को ट्रेन करेंगे, जो बहुत ही कम एक्सरसाइजेज में पूरी तरीके से हिट होता है। और उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें बत्तियाँ जलानी, ऐसा वैसा वाला बार है ना अपने पास? नहीं, ये पता नहीं कहाँ छुपा है। यहाँ पे हम इस बार को लगाएंगे। अरे वाह, अंडर हैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन। अंडर हैंड मतलब ये सुपिनेटेड, प्रोनेटेड में नहीं। यूजुअली आप ट्राइसेप ऐसे लगाते हो ना, सो अंडर हैंड करना है इसको। फिक्स करेंगे थोड़ा सा एल्बो आगे की ओर और पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करें। ये उन चुनिंदा एक्सरसाइजेज में से है जो आपके मीडियल हेड को ट्रेन करती है। लॉन्ग, लेटरल एंड मीडियल, जो ये अंदर होता है, बहुत ही अंदर पे होता है, दोनों के अंदर छुपा होता है। अगर जब इसका साइज बढ़ता है तो आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप नीचे से थोड़ा भारी लगता है। यहाँ पे ये टारगेट होता है अंदर आपका मीडियल हेड, छोटा सा दिख रहा है, ये देखिए, दिस इज द मीडियल हेड। गाइज, डेफिनेटली घर पे आपके पास ये इस तरीके की पुली मशीन तो होगी नहीं, तो इसकी जगह पे आप रेजिस्टेंस केबल का इस्तेमाल कर सकते हो अंडर हैंड लगाते हुए। बैंड ढूंढ रहे थे हम, बैंड नहीं है क्योंकि वो मेरे बैग में रहता है और मैंने घर पे निकाल लिया। समझ गए ना आप मेरी बात? बस। और दूसरा यार, आप लोगों को तो पता ही कि हमारा नया चैनल है हिमालयन स्टैलियन, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्रीज, व्लॉग्स वगैरह वगैरह, थोड़ा सा मेरी पर्सनल लाइफ उसमें ज़्यादा आती है, तो आप लोग फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ यू लाइक, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। बहुत सारे सप्लीमेंट ट्राई किए मैंने लाइफ में यार, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इंडियन मार्केट में जितने भी ब्रांड्स काम कर रहे हैं, नॉट जस्ट इंडियन ब्रांड्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑलवेज फील के कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिसिंग रहती हैं, और वो कुछ चीज़ें हैं आपकी कंसिस्टेंसी। यू नो, ब्रांड जब नई नई शुरू होती है या मार्केटिंग शुरू होती है, एडवर्टीजमेंट शुरू होती है, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉट निकलता है, और क्वालिटी वाइज भी, यू नो, पैकेजिंग वाइज भी, एवरीथिंग इज ऑन टॉप। बट धीरे धीरे वो कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड नहीं रह पाती। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, मे बी मैनेजमेंट इश्यूज, मे बी जो भी रीजंस हैं, बट वो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं डिग्रेड उनकी क्वालिटी में देखने को मिलती है। ये एक बड़ा सवाल आता है कि ऐसा इंडिया में हो क्यों रहा है। और क्वालिटी डिग्रेड होने से मेरा मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जब नया नया सप्लीमेंट आता है तो उसका टेस्ट भी अच्छा होता है, मिक्सिबिलिटी भी अच्छी होती है, थिकनेस भी अच्छी होती है, बट धीरे धीरे जब आप नेक्स्ट फ्यू बैचेस ट्राई करते हो विद इन द ईयर, वो सेम चीज़ आपको नहीं मिलती। जैसे जैसे दूसरे, तीसरे, पांचवे बैचेस आने लगते हैं तो वो प्रोटीन का कंटेंट भी चेंज होने लगता है। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए इंडियन मार्केट में जो भी कंपनीज काम कर रही हैं। और मैं पर्सनली, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं किसी इंडियन कंपनी या फिर यू नो जो इंडिया में काम कर रही हैं, उन कंपनीज को टेस्ट करूँ और उनको ट्राई करूँ फॉर अ लॉन्गर पीरियड। बहुत सारी कंपनीज इवन दे हाइड कि उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे है या फिर मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होती है, दे नेवर टेल। ये चीज़ें पता होनी चाहिए कंज्यूमर को कि यार आपका प्रोडक्ट बन कैसे रहा है, कहाँ बन रहा है, क्या हाइजीन लेवल है, आपके एम्प्लॉयज़ कितने हैं, किस तरीके से आप काम करते हो, कितनी बड़ी कंपनी है। इससे क्या होता है कि ट्रस्ट लेवल आपका बढ़ता है कंपनी में, और कंज्यूमर को भी पता चलता है कि प्रोडक्ट जो मेरे हाथ में आती है वो
आग हाजिरी है। कोशिश यही करनी है कि ट्रांसपेरेंसी और लेके आनी है और कंसिस्टेंसी और लेके आनी है। तो लास्ट ब्लॉग में जो आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे उसका मैं एक का जवाब दूंगा। एब्सोल्यूट SRV ने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है, इसका जवाब मैं बहुत ही सिंपली आपको दूंगा। देखिए, आपके मेन क्वेश्चंस थे कि भाई आप 15 साल के हो, क्या आपको वर्कआउट करना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल करना चाहिए, वर्कआउट कर सकते हो। आप किसी पर्टिकुलर इंसान का प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो, बिल्कुल करो। दूसरी चीज़, आप ये बोल रहे हो कि आप जब वर्कआउट करते हो तो उसके बाद नेक्स्ट दिन आप इंटेंसिटी डालने के बाद बीमार पड़ जाते हो। देखो, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज है, ये हमें कुछ नहीं पता। किस तरीके से आपकी लाइफस्टाइल है, क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको, हिस्ट्री में क्या रहा है, बचपन से किस चीज़ की दिक्कत है, क्या आपका बॉडी टाइप है, सो मेनी थिंग्स आई डोंट नो। बट रिकमेंडेशन आपको यही होगी कि वर्कआउट करते हो तो बीमार नहीं पड़ना चाहिए। वर्कआउट हम करते हैं हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी बॉडी को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, बीमार पड़ने के लिए नहीं। सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं आपके वर्कआउट में। एक प्रॉपर असेसमेंट कराना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर कोच के साथ आपको कंसल्टेशन करना पड़ेगा, किसी से बात करनी पड़ेगी या सीखना पड़ेगा, इसको लर्न करना पड़ेगा। जैसे हम मैथ्स, फिजिक्स, साइंस सीखते हैं ना स्कूल में, आप सीखते होगे, वैसे ही ये भी पढ़ाई एक तरीके की एजुकेशन है, फिटनेस की एजुकेशन, इसको पढ़ के ही आप सीख सकते हैं। दूसरी चीज़, आप ये कह रहे हैं कि घर पे आपके पास सिर्फ एक ही डंबल है और आप लाइट वेट वर्कआउट करते हो, क्या उससे ग्रो किया जा सकता है? यहाँ पे एक टर्म आता है जिसे कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आपकी बॉडी, आपके मसल्स तभी ग्रो करते हैं जब धीरे धीरे आप उसमें अपनी वेट को, वजन को, इंटेंसिटी ऑफ लोड को बढ़ाते हैं। वो घर पे करना विथ वन पेयर ऑफ डंबल थोड़ा मुश्किल रहता है, इसीलिए लोग अपने वेट को, रेजिस्टेंस को बढ़ाते रहते हैं ट्रेनिंग के दौरान, तभी आपका मसल ग्रो करता है। अगर आप घर पे डंबल्स खरीद के लाएं, ज़्यादा डंबल्स खरीद के लाएं, प्लेट्स, वेट्स लेके आएं, तो आप घर पे भी ग्रो कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। ऑलराइट गाइस, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को ये थोड़ा सा बेनिफिशियल लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक बटन को जरूर दबाना, और सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हो। थैंक यू वेरी मच, लव यू, बाय बाय।